वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ से मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का मुख्य विषय क्या रहेगा। जी हां, आज हम इस पर चर्चा करेंगे दिसंबर में होने वाले 5 बड़े बदलाव के बारे में। दिवाली के बाद ही लोग अक्सर पूछा करते थे, वह मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे, मेल मिल रहे थे, यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि धनु राशि के लोग जानना चाहते हैं हमारा क्या होगा, हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि दिसंबर मंथ मंथली राशिफल मासिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बिजनेस, प्रेम, दाम्पत्य, नौकरी, समाज, हर बात पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे नाम राशि से भी या फिर लग्न राशि से भी सुन सकते हैं। धनु राशि फल दिसंबर 2023 के शुरुआत करें इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, समय एक जैसा कभी नहीं रहता, ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं और परिस्थितियां भी बदलती रहती है। कुंडली में दशा अपना प्रभाव दर्शाती है, आकाश में भ्रमण करने वाले ग्रह भी, इसीलिए अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि ऐसा करने पर ग्रह भी आपका साथ देने लगते हैं। तो आइए जानते हैं दिसंबर महीना धनु राशि वालों के लिए, यानी कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, धनु राशि के मेंबर के लिए कैसा रहेगा। जब दिसंबर महीने की शुरुआत होगी, आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे, कामकाज को लेकर क्लियरिटी रहेगी, आपके बड़े और खास लोगों से कॉन्टेक्ट बनने लगेंगे, नई योजना पर कार्य करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों को लेकर आप चिंतित रहने लगे थे, वह पुराने कार्य जल्दी निपटने लगेंगे। लोग आपकी ताकत को पहचानेंगे, ऑफिस में आपकी बातों पर गौर करने लगेंगे, आपको सम्मान की नजरों से देखा जाएगा, देखने लगेंगे। यानी कि दिसंबर के दिनों में जीवन में बदलाव होने के पूर्ण योग बन चुके हैं। धनु राशि वालों, आज का दौर प्रतियोगिता का दौर है और इस दौर में अगर हम पीछे रह जाए तो कभी सफल नहीं हो सकते और भाग्य भी आपको पीछे रखना नहीं चाहता, क्योंकि गुरु ग्रह पूरे 30 दिन तक वह आपके पंचम भाव में ही उपस्थित होंगे और उनकी पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, जिनके कारण आपके कई अधूरे सपने तो पूर्ण हो गए लेकिन करियर को लेकर एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब नौकरी में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं तो यहाँ संभावना बन रही है। आप आईटी, बैंकिंग या संचार से संबंध रखते हैं, मेडिकल या फिर टूरिज्म क्षेत्र से संबंधित है, तो यकीन मानिए कि दिसंबर आपको इतना ज़्यादा लाभ देगा, इतना ज़्यादा खुशी देगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि बदलाव होगा। आप प्राइवेट क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अपनी आमदनी को लेकर, पैकेज को लेकर चिंतित थे, तो मुझे यकीन है कि इस महीने उसमें वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप आपका पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन भी खुशहाल होगा, बदलेगा। धनु राशि के हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो, धन को लेकर, प्रेम को लेकर लाभ में रहेंगे, यानी कि धन की कमी नहीं रहेगी और मुझे विश्वास है कि इस महीने आपकी कोई बड़ी डील तय हो सकती है और इसमें आपको मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। जिन्होंने एक साथ स्टॉक मार्केट में बड़ा निवेश कर दिया है या जिन्होंने जमीन में एक साथ धन का निवेश कर दिया है, अब वहां से पैसे निकले तो दूसरे कुछ काम करें, यानी पैसा होने के बावजूद भी आप लाभ से वंचित हो रहे हैं, तो दिसंबर में वो लोग लाभ की आशा कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य को सुरक्षित करने में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी, अवसर प्राप्त होगा। आप चाहते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को आगे ले जाया जाए तो यह संभव होगा। जो पुत्र अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उन्हें राहत महसूस होगी, आपको बार बार खर्च करना पड़ रहा था, आप परिवार के स्वास्थ्य को लेकर खर्च कर रहे थे या फिर अचानक से नुकसान हो जाता था, किसी न किसी बहाने से धन का व्यय हो रहा था, तो अब धन का संचय होगा। आप एक जगह पर, एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करके धन कमाने लगेंगे, कार्य से संबंधित डील होगी, गुप्त धन, यहाँ तक कि गुप्त जगह से भी पैसा मिलने के योग निर्मित हो चुके हैं, इसलिए आप तैयार रहें।
दोस्तों आपकी राशि काल चक्र की नौवीं राशि है और वह अग्नि तत्व गुण से प्रभावित है और इस महीने देखा जाए तो मंगल आपके विदेश के भाव में है, 12वें भाव में है। तो जो विदेश में रहकर प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं वह लोग तो मालामाल हो गए, लेकिन जो छोटे गांव या फिर छोटे शहर में अपने जन्म स्थान के आसपास कार्यरत है वह भी लाभ में रहेंगे। मंगल यहाँ पर दो लाभ देगा, एक जो प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से जुड़े हैं तो उन विवादों से मुक्त करेगा, मुक्ति मिलेगी, और दूसरा लाभ वह यातायात पर्यटन के क्षेत्र से देगा। आपका संबंध इससे है तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मकान से संबंधित कोई भी कार्य हो, आपकी राशि द्विस्वभाव की है और गुरु ग्रह से प्रभावित है और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, तो प्रेम के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना शानदार रहेगा। आप जिस व्यक्ति से प्यार की उम्मीद करते हैं उनसे प्यार प्राप्त करेंगे। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है तो सुलह होगी, पति पत्नी के विवाद खत्म होंगे, पुनर्विवाह की संभावना बनेगी। और पांचवा घर शिक्षा का भी होता है तो इसका सीधा मतलब यही है, अगर आप किसी बड़े शिक्षा संस्थान में प्रवेश चाहते हैं तो कम मार्ग होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके पास बड़ी डिग्री है फिर भी बिना कार्य ही घूम रहे हैं तो यकीन मानिए आप कार्य से वंचित नहीं रहेंगे, नौकरी और बिजनेस के लिए आप तैयार रहे। भाग्य आपको अवसर देगा और आपको स्वीकार बनना भी चाहिए। हम जानते हैं आपको घूमने फिरने का खूब मजा आता है और दिसंबर में भी यह आपको अवसर मिलेंगे। जिनका कार्य समाज सेवा से संबंधित है, जो राजनीति करते हैं, जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं। विपत्ति अब आपसे कुछ दूर रहने लगेगी, जल्दी ही आपको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, यश प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। यानी कि आपकी जो असंतोष की भावना मन में चल रही थी कि मुझे तो अवसर ही नहीं मिल रहा है, सालों से कार्य कर रहा हूँ, तो ये अब खत्म होगी। दोस्तों ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए समय पर उन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्या करें उपाय? दिसंबर में महत्वपूर्ण कार्यों से पहले लाल और चमकदार वस्त्र का त्याग करें। सफलता के लिए श्वेत वस्त्र धारण करें। बड़े कार्य से पहले सुबह निकलते वक्त अपने इष्ट की या फिर कुलदेवी की आराधना करें। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।